भाई आज के दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही मनहूस। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में। दरअसल मेरा एक इंजरी हो गई है लेग में, घुटने में, और मैं अभी यहाँ बैठ के वेट कर रहा हूँ। अपना एक्सरे करवाने आया था मैं, यहाँ काफ़ी देर वेट करनी पड़ रही है मुझे यहाँ पे बैठे बैठे। कुछ है भी नहीं मेरे पास करने को, बस बैठे। अब आ गया नंबर, करवा लिया एक्सरे हमने। एक्सरे में कुछ नहीं निकला अभी तक, मैं सेफ हूँ। उसके बाद मुझे MRI का सजेशन दिया, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर में MRI करवाना है। अब यहाँ भी बैठ के थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद अब मुझे एक्सरे में तो कुछ लिखा नहीं था, ये रही आपकी रिपोर्ट, पर MRI अभी आया नहीं है। तो भाई MRI करवा लिया मैंने। एक तो यहाँ 10 मिनट तक बैठे रहो, मतलब फिर उसके बाद नंबर जैसा आया तो आधे घंटे तक MRI की मशीन में घुसा दिया इन्होंने मुझे। और पता नहीं क्या वॉशिंग मशीन से चल लिया वहाँ, अभी अजीब सी आवाज़ आ रही है। अगर मिलेगी ना यूट्यूब पर भी तो मैं डाल दूँगा, उल्टी सीधी ऐसी आवाज़ आ रही थी, खें खें टें टें, पर कम से कम 15-20 मिनट तक सुनाई, मेरे सर में दर्द कर दिया बेहतरीन उन्होंने। उसके बाद बोल दिया कि भाई रिपोर्ट मिलेंगी तुम्हारी 6 बजे के बाद। अब तो तुमने इतना करवाया क्यों? इससे बढ़िया हमारा वो है रमेश जर्रा, 2 मिनट में हड्डी इंगे तिंगे खींचेगा और तोड़ के हाथ में दे देगा, पर कम से कम टाइम तो ना लगाएगा। अब 6 बजे के बाद भाई रिपोर्ट आएंगी और तब बताएंगे कि ऑपरेशन की तुम्हें ज़रूरत है या नहीं है, या दिक्कत है क्या है। तो अब मैं थोड़ा सा भाई मैं भी हो रहा हूँ थोड़ा सा नर्वस कि अब क्या होगा, पता नहीं। मुझे 6 बजे के बाद पता चलेगी जब रिपोर्ट्स लेने जाएंगे। तो तब तक के लिए भाई अब बने कह रहा हूँ मैं, इसके बाद डायरेक्ट वही सीन लगा दूंगा, तो देखो क्या आया रिपोर्ट्स में। तो भाई अभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मतलब रिपोर्ट्स MRI की आ चुकी हैं, और भाई उसमें ये बताया कि मेरा जो ACL है, एक लिगामेंट जो होता है मेजर लिगामेंट नी का यानी घुटने का, वो टूट चुका है। तो अब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो अब ऑपरेशन में क्या होगा कैसा होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बस यहीं तक है ये वीडियो। थैंक्स।